Oh, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे. नाउ वाईफाई स्टडी हैज बिकम द पार्ट ऑफ एन अकेडमी. कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं तो डेली पढ़ता हूं आप लोगों के कमेंट्स को. तो उसमें एक राहुल कुमार का कमेंट था कि जिंदगी एक दिन की हो या चार दिन की हो, जिंदगी ऐसे जियो कि ये लगे कि जिंदगी को तुम मिले हो, तुम्हें जिंदगी नहीं. बहुत ही शानदार बात है. फिर से सोचिएगा कि जिंदगी को तुम मिले हो, तुम्हें जिंदगी नहीं. बहुत ही शानदार है ना. चलिए, रात को 12 बजे की क्लास है. ये क्लास डेली होती है, फिर से बताता हूँ. ये जो क्लास है डेली होती है और 11:50 का एक अलार्म लगा दीजिए आप लोग डेली, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू संडे डेली रात को 12 बजे क्लास होगी, हमेशा चलेगी. 11:50 का एक अलार्म लगा दो शाम को, रात को, एवरीडे का, ठीक है ना. चलिए, तो इस वाली क्लास में संदीप सर का जीके खजाना भूल ना जाना आना. इसमें हम क्या क्या करते हैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम इस क्लास में करते हैं. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास का थीम होता है हमारा, देन उसके बाद में दो क्वेश्चन डेली कराता हूँ मैं, क्वेश्चन ऑफ द डे वाला. तो कल जो क्वेश्चन मैंने दिया था आज वो दो क्वेश्चन कराऊंगा, देन उसके बाद में फिर पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और वो पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को क्या कराऊंगा मैं, टॉपिक कराऊंगा. देन उसके बाद में ट्रिक ऑफ द डे कराऊंगा और पूरा का पूरा वीडियो हमारा फिनिश जाएगा 15 से 20 मिनट में. चलिए, तो रात को 12 बजे क्लास होती है. मेरी तीन क्लासेस होती हैं. एक होती है 6 PM में, 6 शाम में, एक होती है 8 PM में और एक होती है 12 AM में. ये दोनों क्लास होती है आधे आधे घंटे की, मतलब 60 मिनट ये हो गया और 20 मिनट ये हो गया, है ना. 1 घंटा 20 मिनट. जो बच्चा डेली मेरे साथ 1 घंटा 20 मिनट गुजारेगा, मैं वादा करता हूँ, दिल में हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैं 2 महीने में उसको जीके का मास्टर बना दूंगा. 1 घंटा 20 मिनट डेली. शाम को 6 बजे वाली क्लास में 25-30 क्वेश्चन कराता हूँ ढेर सारे, शाम को 8 बजे कराता हूँ और शाम को उसके बाद में रात को 12 बजे क्लास होती है. तीनों क्लास जो मेरे साथ देखेगा 6 बजे शाम को, 8 बजे शाम को और 12 बजे रात को, उसको मैं जीके का ट्रेन कर दूंगा, वादा है मेरा. चले, तो क्लास देखते हैं. ये जो क्लास किस एग्जाम के लिए है, तीनों मेरी जो क्लासेस हैं 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे, ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, NTPC एग्जाम आने वाला उसके लिए भी है, स्टेट PSC हो गया, UPSC हो गया, अदर एग्जाम्स के लिए, ठीक है. चलिए, और कमेंट एंड एडवाइस आर ऑल्सो इन्वाइटेड. जब भी कोई एडवाइस हो, सजेशन हो, आप लोग बता दिया करिए, हम लोग फॉलो करते हैं उसको और उसको यूज करते हैं. कमेंट ऑफ द डे आपके स्क्रीन में आ चुका है, देखेगा तीन कमेंट्स आएंगे, दो दो सेकंड के लिए कमेंट लगाइएगा सर, बहुत ही प्यारे तरीके से. चलिए, ये देखेगा तीन कमेंट्स आपके स्क्रीन में आ चुके हैं और तीनों पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत ही प्यारे, आराम से पढ़िएगा. अब स्टार्ट करते हैं क्लास को और आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इंडेक्स 2019 का जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं. चलिए देखें सब, ऑक्सफेम वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स ना, ऑक्सफेम का वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है. इसको टॉप किसने किया है, इसको टॉप किया है डेनमार्क ने. इंडिया की पोजीशन कितनी है, 147 इंडिया की पोजीशन है और सबसे नीचे कौन है, नाइजीरिया है 157 में. आप देख लीजिए 147 इंडिया है और नाइजीरिया 157 है, मतलब हमारी कहानी थोड़ा ठीक नहीं है इसमें, ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी हमारी, नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी ये कौन सी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, कौन सा, HCI ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. ये कौन करता है, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है. इसको टॉप किया है सिंगापुर ने. इंडिया 115 नंबर पे है और जो चार्ड है, जो CHAD चार्ड हिंदी में ऐसे लेते हैं चार्ड, ये है आपके किस नंबर पे, 157 नंबर पे, क्लियर है. और इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है. चलिए, PDF वाले बच्चे बात करते हैं, PDF भी मिल जाएगी, चिंता मत, आज मैं दिखा दूंगा PDF कैसे मिलती है, चिंता मत कीजिए, बता दूंगा PDF कैसे मिलती है और इसका प्लेलिस्ट कहां पर है वो भी दिखा दूंगा. कल वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में मैंने ऑफिस के कमेंट से कमेंट कर दिया था, पिन कर दिया है, वहां पर प्लेलिस्ट डाल दी है, जाकर देख लेना. कल नहीं डाली थी, आज दिन में डलवा दी थी मैंने, वाईफाई स्टडी से पिन किया गया उसमें से को, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता है GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना. ये जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय ये और ये, इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, दोनों मिलकर प्रिपेयर करते हैं इस चार्ट को, ठीक है.
बेलारूस जो है इसमें टॉप में है, इंडिया का पोजीशन 103 है और सबसे बॉटम में कौन आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है 119 रैंक के साथ में। हमारी स्थिति यहां पर ठीक नहीं देखिएगा, 103 में हम हैं और सबसे नीचे वाला हमारे बिल्कुल नजदीक है, मतलब इसमें स्थिति हमारी ठीक नहीं है। ये देखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स फोर्स्ड माइग्रेशन एंड हंगर 2018, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, इसको GCI लिखता है, है ना, इसको कौन करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF लिखता है इसको, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रेडी करता है। टॉप USA ने किया है, इंडिया नंबर 58 पर है, बॉटम में कौन है CHAD 4 जो कि मैंने अभी पहले बताया था आपको। इसमें फिर भी हमारे यहाँ पर कहानी ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में फिर भी ठीक ठाक कहानी है, लेकिन जितनी बड़ी इकोनॉमी हमारे देश की है USA से चाइना से तुलना हम करते हैं उस हिसाब से बहुत नीचे है, टॉप 10 में होना चाहिए हमको तभी बात बनेगी हमारी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग होता है, WCR होता है, ऐसा लिखता है शॉर्ट फॉर्म में कई बार, है ना। ये कौन करता है इसको, इसको प्रिपेयर करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट करता है, टॉप इसमें सिंगापुर ने किया है, इंडिया 43 नंबर पे है और सबसे लास्ट में कौन सा आपका वेनेजुएला सबसे लास्ट में है। और आपको मालूम है कि जो वेनेजुएला है वो आपका OPEC OPEC का मेंबर है, OPEC का मेंबर है, ध्यान रखना इस बात का, साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका के बिल्कुल ईस्ट नॉर्थ में ये है वेनेजुएला और ये OPEC का मेंबर है। चलिए ये देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से PPT बनाई गई है, फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड हांगकांग, थर्ड नंबर पे USA। नेक्स्ट देखें ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है ना, इसका कौन रिलीज करता है इसको, INSEAD रिलीज विद टाटा कम्युनिकेशन एंड एडोको ग्रुप के द्वारा, ठीक है। स्विट्जरलैंड इसने टॉप किया है, इंडिया 80 नंबर पे है और यमन जो है यमन इसमें 125 नंबर पे है, इसको पढ़िए बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है ना। ये आपका IN कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो मुझे कि INSEAD का फुल फॉर्म क्या होता है, INSEAD का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए ये टाटा ग्रुप का है, ये आपका द एडेको ग्रुप का लोगो बना हुआ है। आगे चलते हैं देखिएगा नेक्स्ट कौन सा आपका जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स कौन तैयार करता है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तैयार करता है, आयरलैंड इसमें आपके टॉप नंबर पे है, 108 नंबर पे इंडिया है और यमन जो है उसके 149 नंबर पे है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट कौन सा आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI ऐसा लिखा रहता है, कई बार CCPI लिखा रहता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, है ना। और ये आपका टॉप नंबर पे कौन है आपका इसमें स्वीडन है, इंडिया की पोजीशन कौन सी आपकी 11 नंबर की है और सबसे नीचे कौन है आपका सऊदी अरेबिया इसमें सबसे नीचे पर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेगा ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 कौन करता है इसको, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है, ये इसके नंबर टॉप में है, इंडिया इसमें 141 नंबर पे है और बॉटम में कौन है अफगानिस्तान इसके सबसे बॉटम में है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या लिखा है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें बड़ी गंदी कंडीशन हो गई इंडिया की, दो नंबर और पीछे खिसक गया है जो कि ठीक नहीं हमारे देश के लिए ना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा पब्लिश किया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, मेरा दिल ऐसा बोल रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, देखना 3-4 एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। टॉप किया है नॉर्वे ने, इंडिया की रैंक 140 बहुत ही गंदी रैंक है और सबसे नीचे कौन सा आपका तुर्कमेनिस्तान है, हालांकि तुर्कमेनिस्तान से हम तुलना नहीं कर सकते, इंडिया की रैंक इसमें ठीक नहीं है, इंडिया को ठीक ठाक कंडीशन में इसमें होना चाहिए था क्योंकि जो मीडिया होता है जो प्रेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है डेमोक्रेसी के लिए और हम दुनिया के सबसे सुंदर डेमोक्रेसी माने जाते हैं, तो उस हिसाब से हम बड़े पीछे हो गए, इसमें हमें ठीक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडेक्स ने रिपोर्ट है और इसको कौन करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क करता है, टॉप किया है इसने फिनलैंड ने, 140 नंबर पे इंडिया है और बॉटम में कौन है सऊदी साउथ सूडान है, ट्रिक बना दूंगा चिंता मत करना, ढेर अभी ट्रिक की सीरीज लेकर आने वाला हूं, एक ट्रिक की सीरीज चला गई हमारी, चिंता मत कीजिएगा, ट्रिक की भी सीरीज ले आऊंगा, ठीक है। चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बहुत ही सुंदर, देखिए कितना शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा आगे चलते हैं आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात अगर करें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कौन करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसको पब्लिश करता है, टॉप किया है डेनमार्क ने अच्छी कंडीशन में, इंडिया का पोजीशन 78 है, सोमालिया सबसे गंदे कंडीशन में, सोमालिया 180 नंबर पे है सोमालिया, ठीक है ना। हम फिर भी बहुत गंदी कंडीशन में, देख लो आप, हम दुनिया के सबसे टॉप डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं, डेवलप हो रहे हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारी कंडीशन 78 नंबर पे है, कम से कम टॉप 10 ही होना चाहिए था यहां पे हमको टॉप 10 में, क्योंकि करप्शन हमारे यहां पे आपको मालूम है कैसे रूट बिल्कुल डीप रूटेड है, खून में भरा है लोगों का करप्शन, हर जगह करप्शन करते हैं जो गलत है, ठीक है ना। तो आप जब भी नौकरी पाइएगा तो प्लीज करप्शन मत कीजिएगा, ठीक है, कभी भी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा आपका
इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा सूचकांक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें देखिएगा टॉप यूएसए है, 36 नंबर पे इंडिया है, बॉटम में देखिए वेनेजुएला है। सोचिए हम टॉप बॉटम से कितने पास में है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। अब आप बोल रहे हो सर बार बार बुराई कर रहे हो, बुराई नहीं कर रहा मैं, बार बार बता रहा हूं कि हमारी जिम्मेवारी, हमारा देश है, हमको ही इसको ठीक करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका देखिएगा बाय यूएसए चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा आपका, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसमें बड़ी अच्छी कंडीशन है, इसलिए थैंक यू सो मच मोदी जी, नो डाउट है, जब से मोदी की सरकार बनी तब से बहुत अच्छा हो गया है, 30 का सीधे आंकड़ा क्रॉस कर दिया था हमने, इसके लिए थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है ना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है और इंडिया की रैंकिंग 77 है, कहां हम 130 हुआ करते थे और कहां 77 है ना, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए पीएम साहब को, बोलना चाहिए रियली। और ये सोमालिया 190 नंबर पे है, हम तो बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिएगा इंडिया का बना तो है चार्ट, ये देखो इंडिया का चार्ट है ना, तो ये देखो पहले 2018 में 100 नंबर पे था, इस बार 77 नंबर पे आ गए हैं, उसके पहले 130 में था, सोचो 131 जब मोदी जी बने थे प्राइम मिनिस्टर तो 134 में थे और 134 से 77 आ गए ना, ये किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो सच है वो सच दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये चलिए इतनी तो रिपोर्ट थी, एक और रिपोर्ट बताता हूँ, यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये आपका एचडीआर रिपोर्ट पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, एचडीआर रिपोर्ट पब्लिश करता है और इसका इंडेक्स होता है एचडीआई, है ना, ये इंपॉर्टेंट था, यहां पर लिखा नहीं गया था तो बताता हूं, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम वो आपका एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है और इस रिपोर्ट में एक इंडेक्स होता है, उसको बोलते हैं एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्लियर। ये तो हो गई आपकी रिपोर्ट्स और आपकी बातें, ठीक है। अगर कोई रिपोर्ट छूट जाए, जैसे हर टॉपिक, देखो भाई ये क्लास छोटी है तो यहां पर प्रयास करूंगा सब कुछ कवर करा दूं, लेकिन सब कुछ करा भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा है सब कुछ, कम से कम 200-400 रिपोर्ट है। मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है सिलेक्शन लेने का तक का, जैसे मैं सिलेक्शन ले चुका हूं तो मुझे सिलेक्शन तक का जो एक्सपीरियंस है वो और टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है उस आधार पर आपको बताने की कोशिश करता हूं। फिर भी लगता है कि नहीं यार और थोड़ा ये कर दें वो कर दें तो कमेंट में बता दिया करो, सर ये छूट गया है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपका सबसे पहले कल के दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, वो दो क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि नेशनल गेम ऑफ स्कॉटलैंड क्या था, आपका गोल्फ, बहुत लोगों ने 95% बच्चों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था आपका, कौन सा, भूटान का, इसका आंसर तीरंदाजी, लगभग 100% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कल दिया था। चलिए अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे, या आ गया स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे, देखेगा नेम ऑफ द डेनमार्क पार्लियामेंट, डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, फोल्केटिंग, क्लियर, डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम फोल्केटिंग। नेक्स्ट देखेगा आपका जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम क्या है, जर्मनी की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं आपका, बुंडेस्टाग, ठीक है। चलिए प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, देख लेना क्या लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखेगा अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, शोरा, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है क्या आपका, फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल असेंबली, क्वेश्चन पूछता है ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भूटान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, तशोगु, डन। चलिए ये देखिएगा, ये आपके लिखा हुआ है ढेर सारे पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है, फेडरल पार्लियामेंट है, अफगानिस्तान का मैंने बता दिया शोरा, बांग्लादेश का क्या बोलते हैं, जातीय संसद बोलते हैं, जातीय संसद बोलते हैं, भूटान का हो गया, उसके बाद देखिएगा आपका ब्रिटेन का, कनाडा का, चाइना का, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी आज, सारी पीडीएफ मिलेगी, सारी पीडीएफ डलवा के जाऊंगा, भले चाहे रात को एक बज जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आज पूरी पीडीएफ डलेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट देखिएगा डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इसराइल, जापान, मालदीव, म्यांमार, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता मुझे बोल देना, मैं ट्रिक बता दूंगा, चिंता मत करना, अब बोलने में हिचकिचाया मत करो, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, याद रखना, अगर यहां पे आप शर्म करोगे, हिचकिचाओगे बताने में तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बिना नौकरी के घूमोगे तो शर्माना ही पड़ेगा फिर तो, ना यहां पर बताओ और क्या क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी ट्रिक बनाना है बता देना, 3-4 दिन के अंदर ट्रिक लेके आ जाऊंगा, ये वादा है मेरा, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं, ये देखिएगा और है आपका नॉर्वे, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन और टर्की, पढ़ लीजिएगा आराम से, अगर ट्रिक की जरूरत हो तो बता देना, मैं ट्रिक बना दूंगा। चलिए ये तो हो गया हमारा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हम कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे देखिएगा नेपाल की पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेपाल की पार्लियामेंट का नाम, ये क्वेश्चन है, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, यहां पर मत करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा नेम ऑफ द स्विट्जरलैंड पार्लियामेंट, स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट का नाम देखिएगा, ये आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, इसका आपको आंसर देना है, क्लियर। चलिए ये हो गया आपका कहानी आज की, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक ऑफ द डे, ट्रिक ऑफ द डे बताता हूँ, ध्यान सुनना, ट्रिक ऑफ द डे क्या है कि आपको मालूम है जो 8वीं अनुसूची है, जो 8th शेड्यूल है, उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस है, कितनी है टोटल 22 लैंग्वेज, 22 भाषाएं, शुरू में 14 थी, बाद में 8 जोड़ी गई तब 22 हुई थी ना,
शुरू में 14 थी, बाद में 8 जोड़ी गई थी तो 22 हुई थी। तो इन 8 लैंग्वेज का नाम मालूम होना चाहिए कौन सी। यहां से खूब क्वेश्चन पूछता है, ये 8 लैंग्वेज को 3 बार में जोड़ा गया था। पहली बार 1 जोड़ा गया, फिर एक बार 3 जोड़ा गया, फिर एक बार 4 जोड़ा गया। डन। चलिए, पहली बार जब 1 जोड़ा गया था तो 21st नंबर का अमेंडमेंट किया गया था, 21वां संविधान संशोधन किया गया था। फिर एक बार 71 नंबर का 71वां संविधान संशोधन किया गया और एक बार 92 नंबर का। ये तीनों कैसे याद रखोगे, 21 71 याद कर लो और दोनों को जोड़ दो तो 92 याद आता है। ये कोइंसिडेंस है, याद हो जाएगा। कोई देख 21 71 92, क्लियर। पहली बार 1 जोड़ा, फिर उस बार 3 जोड़ा, कोइंसिडेंस है, 4 हो जाता है, बड़ा प्यारा सा काम। चल, अब इसमें कौन से भाषा जोड़े गए। पहली बार में जो लैंग्वेज जोड़ी गई थी उसकी ट्रिक यह है कि सीधे कोमल ने दिल तोड़ दिया। कोमल कोई लड़की होगी, उसने क्या किया, सीधे कोमल ने दिल तोड़ दिया। चलिए, तो ये ठीक नहीं किया कोमल ने, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोमल दिल ना तोड़ती तो हम आज याद नहीं कर पाते। तो सीधे से हो जाएगा सिंधी। पहली बार जब अमेंडमेंट किया गया तो सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई 21 नंबर के अमेंडमेंट में। को से हो जाएगा कोंकणी, मा से मणिपुरी और ने से नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये हो जाएगा आपका 71 नंबर के अमेंडमेंट में, तीन लैंग्वेज। और इसमें याद कर लेना डीबीएमएस डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, क्लियर है। 8 लैंग्वेज हो गई। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। पहले 14 थी, बाद में 8 जोड़ी गई, बाद की 8ों का नाम पूछता है। 21 एक बार, पहली बार में 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, 8 हो गई टोटल। चलिए, 21 नंबर का अमेंडमेंट किया तो सिंधी जोड़ दी, 71 वाले में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जोड़ दी और 92 वाले में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, मतलब डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली हो गई, क्लियर। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं वीडियो पीडीएफ की कहानी। देखो, सब पीडीएफ कुछ नहीं करना है, इसमें आप काम करना वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, कुछ मतलब क्या करना, वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लो, लगा दीजिएगा सर पोस्टर, वाईफाई स्टडी का ऐप देखिए आपका आएगा ऐसा, इसको आप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में आप जाना कहां पर, बाजू में 3 टिक होंगे, यहां पर राइट में 3 टिक होंगे, यहां पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर एक लिस्ट आएगी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, ये वो, यहां पर स्टेट जहां पर लिखा है वहां पर क्लिक करना, मेरी क्लास ऐसी खुल जाएगी, 4-5-6 क्लास लाइन आएंगी, उसमें क्लिक करना, पीडीएफ का ऑप्शन लिखा होगा, ब्राउज पीडीएफ लिखा होगा, BROWSE पीडीएफ लिखा होगा, एक तो यह तरीका होगा पीडीएफ का, क्लियर है। नहीं सर, मैं तो बता देना, क्योंकि पीडीएफ डाल रहा हूँ आपको मिल नहीं रही है, वो बड़ा दुख लग रहा है इस बात का, क्योंकि मेहनत मेरी बेकार जा रही है पूरी, ठीक है ना। दूसरी बात आती है सर, प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा वीडियो, जो कल वीडियो किया था मैंने, आज नहीं, जो कल मैंने किया था वीडियो, उस वीडियो को नीचे जाकर देखिएगा आप, वहां पर मैंने क्या किया है, वाईफाई स्टडी की तरफ से मैंने कमेंट करवा दिया था बोल के कि काम करो प्लेलिस्ट को कॉपी मार को लिंक मार दो, तो वहां पर क्लिक करना, प्लेलिस्ट खुल जाएगी पूरी की पूरी, वहां पर पूरे के पूरे वीडियोस लाइन से हैं। ना मिले तो एक काम करना, आज फिर से कमेंट कर दूंगा, आज जो वाली क्लास है इसके नीचे कमेंट कर दूंगा, तो आपको सीधे क्लिक करो तो पूरी की पूरी आपकी प्लेलिस्ट कॉपी हो जाएगी और उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना अपने मोबाइल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये क्लास आपकी है, खूब शेयर करना है, धर के शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, यही जिंदगी का दस्तूर है साहब, जिंदगी लंबी नहीं जिंदगी बड़ी होना चाहिए, जिंदगी ऐसे जिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, यही जिंदगी है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, लव यू ऑल।